हेलो व्यूअर्स, तो आपका एक स्मार्टफोन है। आप एक स्मार्टफोन को आप कब तक यूज़ करते हैं? जब तक आपका फ़ोन बैटरी का चार्ज ख़त्म नहीं हो जाता, सुबह से लेकर शाम तक जितना भी आपका बैकअप देता है उतना आप यूज़ करते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, अब अगर आपका चार्ज 1% या फिर एकदम करीब आके अटक गया है स्विच ऑफ होने के पहले, तब आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉल आता है। तो इम्पॉर्टेंट कॉल आप रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन आपकी बैटरी का बैकअप चार्ज नहीं रहने की वजह से आप वो कॉल अटेंड नहीं कर सकते। तो वो कॉल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, वो मिस हो जाएगा। तो आपका जो फ़ोन है उसमें अगर बैटरी नहीं होता, अगर बैटरी की जगह आपको वो फ़ोन चार्ज ही नहीं करना पड़ता, आपका वो फ़ोन हर वक्त चलता, तो कैसा होता? तो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं बैटरी फ्री फ़ोन के बारे में। तो मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं A2All चैनल। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे बैटरी फ्री फ़ोन के बारे में, यानी जिस फ़ोन में बैटरी नहीं है, बैटरी की कैपेसिटी नहीं है। जो फ़ोन जब तक आप नया फ़ोन परचेस करेंगे, परचेस करने के साथ साथ जब तक वो फ़ोन चलेगा, उससे कोई बैटरी का चार्ज देने की ज़रूरत नहीं ना पड़े। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक फ़ोन अब एक कॉन्सेप्ट बन के आया है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन पे ऐसा एक प्रोजेक्ट, एक सिस्टमेटिक में एक कुछ डेवलपर ने ये फ़ोन मार्केट में शो किया है कि वो फ़ोन में कोई बैटरी नहीं है, बैटरी के बिना ही वो फ़ोन चलती है। तो वो फ़ोन कैसे वर्क करती है, वो किस तरीके से आपको जो बैटरी फ्री फ़ोन का एक एक्सपीरियंस देता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो वो फ़ोन बैटरी जो नहीं लेता, लेकिन बैटरी के अलावा वो कैसे अपना फ्रीक्वेंसी को कैच करता है, उस सिस्टम को हमेशा ऑन रखती है। तो दोस्तों, जो अब हम बात करेंगे, जो फ़ोन आपका जो फ़ोन है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें जब उसमें अगर बैटरी अगर नहीं हो तो वो फ़ोन कैसे चलेगा? तो वो फ़ोन चलेगा जैसे कि आपका जो सोलर पैनल है, सोलर सेल है, उस सोलर सेल कैपेसिटर के अंदर दे दिया जाएगा, जिसके थ्रू आपको सनलाइट पड़ेगी। तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं या उसके थ्रू आपकी फ़ोन में आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है कैपेसिटर की तरह एक छोटा सा, जैसे कि वो एक इनिशियल स्टेज पे है। वो अभी वो जो डेवलपर ने है, तो वो डेवलपर ने अभी तक मार्केट में अच्छी तरीके से नहीं डेवलप किया है, लेकिन उन्होंने ट्राई करके देखा है कि वो एक ऐसा फ़ोन बना सकते हैं जिसके अंदर बैटरी ना हो। तो जो फ़ोन है वो बेसिकली क्या करता है, सोलर जो आपका सोलर सेल है उससे कैपेसिटर के अंदर दे देता है, और उसके थ्रू जब आप सनलाइट पे हो गए या फिर आसपास पे करीब में कोई लाइट होगा, तो उसके थ्रू वो फ़ोन आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो रेडियो वेव्स है या फिर आपका जो वेव्स है, तो वो वेव्स से वो एक सप्लायर की तरह एक आपका जो फ़ोन करने के लिए जितना बैटरी बैक जितना ज़रूरत होता है एक चार्जिंग का, तो वो उतना ले लेता है रेडियो वेव से। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो वो फ़ोन दिखने में कैसा है। तो दिखने में कैसा है ये मैं आपको पिक्चर में दिखा दूंगा, मेरे साइड पे ब्लिंक करते हुए आगे। तो दोस्तों, जो आपका जो सिस्टम है, जो आप देखना चाहते हैं, जो फ़ोन वो लोग बात करते हैं जैसे कि वो एक नया कॉन्सेप्ट है, तो उस फ़ोन में कोई एक डिस्प्ले नहीं है। वो फ़ोन कैपेसिटर की तरह, यानी कीबोर्ड भी नहीं है, कैपेसिटर की तरह आप जो कैलकुलेटर का जो अंदर का स्पेस देखे ही होंगे, उसके अंदर जो कैपेसिटर होता है उसकी तरह ही कैपेसिटर है। लेकिन इस फ़ोन में 3.5 mm जैक है जिसके थ्रू आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। इससे जो फ़ोन का बैटरी, इसके जो फ़ोन का सोलर जो कनेक्शन है उससे अच्छा रहता है, और जो आपका चार्ज है तो वो ज़्यादा नहीं जाता है, इसीलिए वो 3.5 mm का जैक यूज़ होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जो वो फोन, आप एक अलग सा सेल फोन जो है, तो सेल फोन में क्या होता है, जब आप बात करते हैं तो बहुत सारी बैटरी या फिर बहुत सारे पावर फ्लक्चुएट होता है, तो वो पावर वेस्ट होता है। तो वो जो पावर है उससे तो बहुत सारी पावर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो जो फ़ोन है वो तो रेडियो वेव्स और सोलर से ही अपनी पावर कंज्यूम करता है। तो वो फ़ोन अपनी ज़रूरत की मंद की हिसाब से कैसे वर्क करते हैं? तो दोस्तों, मान लीजिए जैसा कि एक आप कई जैसे कि आपने सिनेमा में देखा ही होंगे कि कार्टून में या फिर कुछ भी, कोई भी सिनेमा या फिर कोई भी ऐसे ये आपका जो वीडियो है देखे होंगे कि कभी कभी आपका जो, जैसे कि मेरे ये वॉच का
ये है ग्लास है, तो ये ग्लास आपको रिफ्लेक्ट करती है। तो वैसे ही अगर सोलर, अगर सूरज की रोशनी से अगर आपको कोई कांच रिफ्लेक्ट करती है, तो उसके थ्रू वो कांच का रिफ्लेक्ट और एक जगह पे जाती है। तो वैसे ही दोस्तों जो फ़ोन का रिफ्लेक्शन है, तो वो फ़ोन का रिफ्लेक्शन वो कैच करती है, और उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो अपनी आसपास एक बेसिस कैपेसिटर में भेज देता है, उसके थ्रू आपका कॉल होता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि वो जो बेसिस है उसका, जो फ़ोन का कैपेसिटर है, वो फ़ोन अपनी एरिया के 15 मीटर तक अपना एक बेसिस स्टेशन रहना चाहिए। उसकी उस स्टेशन के जाने के बाद वो स्काइप के थ्रू कॉल लगती है, फिर आप बात कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जी, इस फ़ोन में आप फेसबुक, व्हाट्सएप ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है, और वैसे भी फेसबुक व्हाट्सएप पे आप जानते होंगे बहुत चार्ज जाती है, तो उस फ़ोन में तो वैसे भी थोड़ा सा चार्ज का प्रॉब्लम है होगा, तो वो फ़ोन में आप ये सब यूज़ नहीं कर सकते। और जो आपका जो फ़ोन है उसमें आप जो कैपेसिटर है, तो वो फ़ोन आप फ्यूचर में कैसे वर्क करेंगे दोस्तों, ये हम बताएंगे। तो फ्यूचर में जो फोन वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि उस फ़ोन में एक छोटा सा कैमरा होगा, या फिर एक छोटा सा डिस्प्ले होगा। कैमरा और एक डिस्प्ले तो हमें चाहिए, लेकिन हम क्या बटन क्लिक कर रहे हैं उससे तो हमें देखना चाहिए। तो वो एक छोटा सा डिस्प्ले दे सकते हैं, एकदम कम बैटरी जाने वाली, तो उसमें एक डिस्प्ले दे सकती है, एक आपका जो कैमरा दे सकते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, आपका जो बेसिक, आपका जो मोबाइल फ़ोन का मेन मकसद क्या होता है, कॉल करना, तो वो आप इजीली तरीके से कर सकते हो। तो वो फ़ोन अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो मैं ये सब जानता था, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो पे आपको, आपके साथ ये सब शेयर किया। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो के, इस फ़ोन के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हो और, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ मेरी ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते हैं। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।